यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। केहू खाते खाते मरे, केहू खैला बिना मरे, आजकल यही कहावत चरितार्थ हो रही है बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ अधूरा अरुण। एक तरफ तो वो लोग हैं जो ऐशो आराम के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करती दिखती है, दो वक्त की रोटी के लिए अफसरों के दरवाजे पर रोज दस्तक देती है। एक ऐसी बड़ी आबादी भी है जिसे दो वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं होता, ऊपर से रही सही कसर कोरोना महामारी निकाल देती है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। बिहार के किसी भी जिले या किसी भी पंचायत या किसी भी गांव की आप बात करें तो हर जगह राशन की कालाबाजारी की खबर आम है। यह खबर आम तौर पर आपको अखबारों में, टीवी चैनलों में देखने को मिल जाएगी। लोग शिकायत करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। डीलरों की मनमानी चरम पर है और अधिकारियों का अहंकार अपने अहम पर है। अधिकारी सुनवाई नहीं करते और डीलर राशन कोई कार्रवाई नहीं करते। स्थिति ये हो जाती है कि गरीब पिसता रहता है और लगातार पिसता है। आज भी वो गरीब पीस ही रहा है, कभी गरीबी की चक्की में तो कभी बेरोजगारी के पत्थर के नीचे। स्थितियां गंभीर होती चली जाती हैं लेकिन सरकार और सिस्टम है कि सुनवाई नहीं करता। आज आपको दिखाते हैं रोहतास जिले की एक खास रिपोर्ट। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। रोहतास जिले के करहगढ़ प्रखंड का सेंदुआर पंचायत आजकल राशन डीलर की कालाबाजारी का अड्डा बन चुका है। सेंदुआर पंचायत के भानपुर गांव के डीलर की मनमानी सामने आई है, जहां के निवासियों का कहना है कि राशन डीलर उन्हें अनाज दे रहा है लेकिन कम दे रहा है। उन्हें जहां प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलना चाहिए वहां सिर्फ 4 किलो अनाज मिल रहा है। राशन मिलता है? हाँ मिलेगा। कितना मिलता है? 4 किलो। 5 किलो सब दे राशन का वितरण हो रहा है? 4 किलो देते हैं तो 5 किलो कुछ लैका जला तो हम कहा चार किलो। ये तस्वीर इस गांव की अर्थव्यवस्था और बदहाली को बयां कर रही है, साथ में ये भी बता रही है कि ग्रामीणों का जीवन स्तर क्या है। इसके साथ ही ये तस्वीर सरकारी सिस्टम की भी पोल खोल रही है। ये ग्रामीण अपने हाथ में अपना राशन कार्ड लिए सरकार और सिस्टम से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी थाली पर डकैती न की जाए। वो पहले ही टूट चुके हैं और अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अब बिखर जाएंगे। जनवरी फरवरी का हम लोग का राशन दिया, जब फिर गए मार्च को लेने तो ठेपा लगा कर हमको कम राशन दे रहा था। कितना? वो 4 किलो के हिसाब से दे रहा था, तो मैं मांगा कि मेरा फुल 5 किलो से दो, तो मारने धमकाने का भय दिखा कर भगा दिया। कौन है डीलर? सलोनी डीलर है, उसका भावक बन के रामलखन साहब बांटता है। कहाँ का है? भानपुर का। तो राशन कितना मिल रहा है? 4 किलो। कौन डीलर है? रामलखन साहब। कहाँ का है? सलोनी भानपुर का। किसके नाम से वहाँ पर कोटा है उसका? सलोनी देवी। सलोनी देवी, हाँ जी। तो पैसे की भी मांग की जा रही है राशन? हाँ, पैसा मांगते हैं। 4 किलो राशन मिलता है। 4 किलो, हाँ।
राशन डीलर के प्रतिनिधि अनाज का वितरण करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अनाज कम बांटते हैं और गम ज्यादा। इस संबंध में लाभुकों ने सासाराम अनुमंडल में जाकर अनुमंडल पदाधिकारी से भी राशन डीलर की मनमानी को लेकर गुहार लगाई है, जिसका कागज उनके पास है, लेकिन एसडीएम साहब व्यस्त हैं, जो अभी तक डीलर पर न तो कोई कार्रवाई कर पाए हैं और न ही कोई नोटिस दे पाए हैं। ऐसे में धराहरा गांव के लाभुक चंदेश्वर सिंह ने डीलर के खिलाफ एक बार और अनुमंडल पदाधिकारी से लिखित शिकायत की तो डीलर से महज पूछताछ की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। कई लाभुकों का कहना है कि राशन डीलर की ओर से राशन मांगने पर 5 किलो की जगह 4 किलो ही राशन दिया जा रहा है, वही सवाल करने पर डराने धमकाने की बातें की जाती हैं। लिहाजा उक्त पंचायत के धराहरा और कुशबिहरा गांव के लाभुकों ने डीलर और प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो मैं मांगा कि मेरा फूल 5 किलो से दो, तो मारने धमकाने का भय दिखा कर भगा दिया। कौन है डीलर? सलोनी डीलर है, उसका भावक बन के राम लखन साहब बांटता है। हम मांग कर रहे हैं कि 5 किलो राशन दिया जाए और उचित दाम पर 2 रुपये सरकार का रेट है उस पर हम लोगों का राशन मुहैया कराया जाए। कोरोना काल में तो फ्री में राशन देनी है। फ्री में देना है, वो भी 4 किलो दे रहा है और हमको तो 4 महीना हो गया देबे नहीं किया है, और आदमियों को देता है तो वो भी राशन 4 किलो देता है, 4 रुपये 25 पैसा किलो देता है और किरासन तेल 50 रुपये लीटर देता है। और कहने पर कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो कहता है कि इसी तरह देबे करेंगे, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। एसडीएम साहब से आग्रह है कि साहब जरा संज्ञान ले। ग्रामीणों को धमकी तो तुरंत दे दी जाती है, लेकिन डीलरों को चेतावनी नहीं दी जाती। ग्रामीणों के राशन में तो कटौती कर दी जाती है, लेकिन डीलर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल ये है कि क्या साहब और सिस्टम का कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? डीटीवी भारत के लिए अश्विनी की रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। डीलर धमकाता है, लेकिन साहब को फुर्सत नहीं है कि फोन उठाएं। यही नहीं, एक जानकारी आपको और बता दें कि हमारे चैनल की तरफ से एसडीओ रोहतास को फोन किया गया, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि मैं एसडीओ हूं और मैं फोन नहीं उठाऊंगा, इस पर जवाब नहीं दूंगा और हर बात की जवाब के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आखिर जिम्मेदार कौन है साहब, यही बता देते। एक बात और एसडीओ साहब, कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं यह याद रखें और ये अपने जहन में पूरी तरह बिठा लें कि वही पब्लिक जब टैक्स देती है तो आपको सैलरी मिलती है। दूसरी एक बात और एसडीओ साहब से ये भी कहना चाहता हूं कि आप चैनल का फोन उठाएं या नहीं उठाएं, हमें दुख नहीं है, लेकिन आप आम जनता का फोन उठाएं, जिनके आप नौकर हैं, जिनकी आप नौकरी करते हैं, जिनके लिए आपको सरकार से तनख्वाह मिलती है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं एसडीओ हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आखिर साहब आपके पास टाइम किसके लिए है? क्या राशन डीलरों के लिए टाइम है या फिर उन माफियाओं के लिए टाइम है जो आपको और आपके सिस्टम को एक रिश्वत देकर, आपके सिस्टम को कुछ पैसे देकर, आपके सिस्टम को कुछ लालच देकर एक अलग तरह की परंपरा शुरू कर रहे हैं? एसडीओ साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप चैनल का फोन नहीं उठाएं, आप चैनल को जवाब नहीं दें, लेकिन अपने रोहतास की जनता को जरा जवाब दें कि आखिर इस सवाल का जवाब मांगने वो ग्रामीण कहां जाएं, किसके पास जाएं, आप बताइए हमें। एसडीओ साहब यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हो और रोहतास की जनता यदि इस कार्यक्रम को देख रही हो, तो सीधे तौर पर कहे कि हमें ऐसे एसडीओ की जरूरत नहीं है जो फोन उठाने के बदले ये कहते हैं कि हमें हमारे पास समय नहीं है, जो ये कहते हैं कि मैं एसडीओ हूं। साहब आप एसडीओ हैं तभी आपके पास फोन किया गया, आप जिम्मेदार हैं तभी आपके पास फोन किया गया, आप इन ग्रामीणों के रहनुमा नहीं बन सकते तो इन्हें जख्म न दीजिए, इनके घाव पर मरहम नहीं लगा सकते तो इन्हें जख्म न दीजिए।
हम बार बार एक बात और आपको कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, ये स्थितियां गंभीर हैं और वो ग्रामीण, वो किसान जो हर बार मुंह की खाता है आपके दरवाजे पर आकर, क्योंकि आपके मुंह बंद कर दिए जाते हैं किसी और सिस्टम की तरफ से, किसी और लोगों की तरफ से, तब गंभीर होकर, तब स्थितियां गंभीर होने पर एक चैनल को इस मुद्दे को उठाना पड़ता है। आज शर्म की बात है कि आजादी के 73 साल बाद भी हम बात रोटी पर कर रहे हैं, जब दुनिया मंगल ग्रह पर जाने की चर्चा कर रही है तो हम बात रोटी पर कर रहे हैं। स्थिति यह है कि उस रोहतास की जनता आज भी सड़कों पर घूम रही है, आपके दरवाजे पर जा रही है कि साहब हमें भरपेट खाना दे दीजिए, साहब हमारी थाली को रोटी से कम भर दीजिए। इसी रिपोर्ट पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, स्थिति गंभीर है, लोग आज भी आजादी के 73 साल बाद भी रोटी के लिए जूझते दिख रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो स्थितियां हैं, खासकर लॉकडाउन कोरोना काल महामारी में जिस तरीके द्वारा घोषणा की गई कि प्रत्येक लाभुकों को राशन जो है निर्धारित जो है 5 केजी देना है, 50 किलो देना है, लेकिन कुछ ऐसे भी डीलर है रोहतास में जो कि 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज देते हैं, वो भी मनमाने तरीके से। और लाभुक के द्वारा जब 5 किलो अनाज की मांग की जाती है तो लाभुकों को जो है डरा धमका कर भगा दिया जाता है। इस संदर्भ में लाभुकों ने रोहतास जिला सासाराम के अनुमंडल पदाधिकारी को उन्होंने अभी अभी अश्विनी हमने एसडीओ साहब को फोन किया था तो उनका जवाब यह था कि मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं फोन उठाकर इन बातों का जवाब दूं, मैं एसडीओ हूं। तो मैं इस चैनल के जरिए यह भी कहना चाहता हूं, अपने डीटीवी भारत के जरिए उन्हें भी यह कहना चाहता हूं कि आप एसडीओ हैं लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट भी हैं और उस पब्लिक की जिम्मेदारी आपकी है। अश्विनी, एक सवाल और कि अभी तक यह कहा गया रिपोर्ट में कि नहीं, उन्हें चेतावनी दी गई, डीलरों को चेतावनी दी गई, धमकी तो लोगों तक पहुंच जाती है, चेतावनी बहुत देर से पहुंचती है, तो सवाल यह है कि आखिर उस चेतावनी का भी कुछ असर डीलरों पर पड़ा या वो अभी भी अपनी मनमानी ही रवैया अपनाए हुए हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कई जगह डीलरों को जो चेतावनी दी गई रोहतास में, लेकिन ये लगातार जो तरीका है शुरू हो चुका है और ऐसे में चेतावनी से डीलर जो रोहतास की जो है जो खासकर जो जिस तरीके से मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं वो मानने को कतई तैयार नहीं। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सीधे तौर पर सुना कि रोहतास के डीलर किसी भी चेतावनी से मानने के लिए तैयार नहीं है, जरूरत है उन पर कार्रवाई करने की, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन पर कार्रवाई करेगा कौन, जब एसडीओ साहब का जवाब यह मिलता है किसी चैनल को कि मैं एसडीओ हूं, मैं हर बात का जवाब नहीं दे सकता, तो आखिर किस बात का जवाब देने के लिए आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, जरा यह बताइए हमें। स्थितियां गंभीर हैं लेकिन साहब गंभीर नहीं है, साहब को यह मजाक लग रहा है, एसडीओ साहब को यह लग रहा है कि ये जनता है, ये गरीब है, तो जरा अपनी उस जेब को भी झांक लीजिए जिसमें हर मंथ आपकी सैलरी आती है और वो जेब भरती है, तो इन गरीबों के, इन किसानों के, इन मजदूरों के मेहनत के बदौलत जो टैक्स पे करते हैं और उसकी बदौलत आपको सैलरी मिलती है। एसडीओ साहब, एक बात और, पब्लिक सर्वेंट होने के साथ साथ आप एक इंसान भी हैं और पब्लिक सर्वेंट के तौर पर ना सही तो कम से कम इंसानी तौर पर सोच लीजिए, समझ लीजिए कि ये गरीब अपना पेट कैसे भरते होंगे जिन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता। और मैं तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह आग्रह करता हूं कि आप गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो राशन न मुहैया कराएं गरीबों को, बल्कि उसकी जगह 6 किलो कर दें ताकि 1 किलो कमीशन डीलर अपना काट सके और इसे ओपन कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। यह व्यंग नहीं, एक सलाह है, इसलिए यह सलाह है कि उन गरीबों के थाली पर डकैती नहीं होगी। आगे एक बात और आपको कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, या तो आप राशन 6 केजी कर दें या फिर उन गरीबों को कह दें कि आप 4 केजी में ही अपना पेट पाल लें, 1 माह का राशन आपको 4 माह दिया जाएगा। यह ढोल ना पीटे कि हम हर मंथ 5 केजी राशन एक व्यक्ति को दे रहे हैं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको इसी से कुछ मिलती जुलती तस्वीर जमुई की।
यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। मेगा शो देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ DTV भारत पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मीना म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट और ओसेनी का। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं DTV भारत का स्पेशल कार्यक्रम ऑपरेशन रोटी। अगली रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट है बिहार के जमुई की। वो जमुई जो कभी नक्सलियों की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता था, वो जमुई जहां कभी पहले भी गरीबी हुआ करती थी, आज परिस्थितियां बदल गई। नक्सलियों के गोलियों की गड़गड़ाहट तो कम हो गई, लेकिन कम नहीं हुई तो वो है गरीबी। वहां के गरीब पहले भी पीसते रहे हैं सिस्टम में, इस व्यवस्था में, और आज भी वो गरीब पीस रहे हैं इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में। आखिर उनका कसूर क्या है? सवाल सबसे बड़ा यही है कि उन गरीबों का कसूर क्या है? क्या गरीब परिवार में पैदा हो जाना ही उनका कसूर हो गया, या इस सिस्टम को वोट देकर जिताकर इस सिस्टम को खड़ा रखना ही उनका कसूर हो गया? पहले जमुई की ये रिपोर्ट देखिए, ये तस्वीर देखिए, उसके बाद पूरी कहानी बताएंगे कि ये तस्वीर कहां की है और इस तस्वीर की कहानी क्या है। मांग की है सरकार से? मांगे तो देवेन करता है कुछ। तीन आदमी का राशन मिलता है, बाकी बाद में बाल बच्चा ऐसे रह जाता है। ये जगह इसे हिंदुस्तान का है जहां रोज योजनाएं बनती हैं, और वो सभी योजनाएं गरीबों के लिए ही बनती हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि उन योजनाओं को बनाने वाले और योजनाओं को लागू करने वाले बन जाते हैं, लेकिन नहीं बन पाता है तो गरीब इंसान
जो हर रोज इस उम्मीद में जागता है कि आज शायद सरकार उसकी किस्मत बदल देगी, और हर शाम को ये सोच कर सो जाता है कि शायद कल उसकी बारी आएगी, कल उसकी किस्मत चमक जाएगी, कल उसके दर पर भी सरकारी योजनाएं दस्तक देंगी और वो एक शानदार जिंदगी जी पाएगा। ये बच्चे जिनका खिलौना भी गरीबी है, जिनका खाना भी गरीबी है, जिनका बिस्तर भी गरीबी है और आशियाना भी गरीबी है, ये तस्वीर है बिहार के जमुई जिले के झाझा प्रखंड की। झाझा प्रखंड का खैरा घाट, जहां शायद गरीबी भी इन गरीबों की दशा और दुर्दशा देखकर एक बार ठिठक जाती होगी, लेकिन सरकारी सिस्टम तक इनकी आवाज नहीं पहुंचती। जब चुनाव होता है तो इनके पास भी नेता आते हैं जो इन्हें सपने दिखाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ही इनके सपने वैसे ही टूट जाते हैं जैसे ये खुद टूट चुके हैं। न इन्हें आवास की सुविधा मिलती है और न ही भोजन की। इनका कहना है कि इनके पास कोई कार्ड नहीं है जिसकी वजह से इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती। आवास योजना का लाभ मिला है आप लोगों को इस तरह? नहीं मिला है। कब से रह रहे हैं इस तरह के हालात में? बहुत तकलीफ से हम लोग रह रहे हैं। कितना साल से रह रहे हैं? कितना वर्षों से रह रहे हैं? हाँ, उम्र देख लीजिए कितना। मतलब जब से आप लोग का जन्म हुआ जलम हो तब यही है। सरकार कुछ ध्यान दी है कभी? कुछ नहीं ध्यान दिया। लिख कर को ले जाता है, उसके बाद फिर घूर के आता है। नहीं, चुनाव के टाइम जो लोग आते हैं, हाँ उसी टाइम में क्या बोलते हैं? चुनाव के टाइम, चुनाव के टाइम में कहेगा हाँ तुम लोग को इंदिरा आवास मिल जाएगा, लेकिन कहीं नहीं मिला। डीटीवी भारत की टीम जब इनके पास पहुंची तो यहाँ के तस्वीर देखकर एक बार सबकी आंखों में एक ही सवाल था कि आखिर सरकारी दावों का सच क्या है। झाझा के खैरा घाट की स्थिति देखकर सवाल उठना लाजमी था। ये झोपड़पट्टी अपनी गरीबी खुद बयां कर रही थी, मासूम बच्चे और महिलाओं की स्थिति ये बता रही थी कि आज भी भारत 21वीं सदी में नहीं बल्कि 90 के दशक में जी रहा है। आज हर कोई महंगाई की मार का रोना रो रहा है, लेकिन ये तस्वीर देखिए और सोचिए कि भला ये गरीब महंगाई की परिभाषा भी नहीं जानते होंगे। इन्हें पेट्रोल और डीजल से भला क्या मतलब? इनको दो वक्त की रोटी और एक मकान मिल जाए तो यही खैरा घाट इनके लिए स्वर्ग हो जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी स्थिति में ये 30 साल यानी 3 युग बिता चुके हैं। बिहार में सत्ता बदली, क्षेत्र में विधायक और सांसद बदले, सरकारी कार्यालयों में ऑफिसर बदल गए, लेकिन कोई भी इनकी किस्मत को नहीं बदल पाया। चुनाव आते ही जनप्रतिनिधि तरह तरह के वादे कर अपना वोट बैंक तैयार करते रहे, लेकिन लोगों से फायदा निकल जाने के बाद एक बार भी इन सफेद पोश नेताओं ने जाकर इन गरीब बस्तियों के बीच रहने वाले मासूम जिंदगियों से सवाल तक नहीं पूछा कि उन्हें रोटी मिल रही है या नहीं। गर्मी के बाद बरसात तो होती है और उस बरसात में इनका फूस का बनाया हुआ घर आशियाना बाढ़ का चादर बन जाता है। डीटीवी भारत के संवाददाता हर्ष ने जब इन लोगों से बातचीत की तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह पत्ते और लकड़ियां बेचकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि सरकारें बदलती रही लेकिन हमारी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। झाझा के प्रखंड कार्यालय के पीछे बसा हुआ यह खैरा घाट प्रखंड कार्यालय से काफी नजदीक है, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आज तक आकर ये नहीं देखा कि इन लोगों को क्या समस्या हो रही है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अब सिर्फ वादे और दावे करते नजर आ रहे हैं और अधर विकास की स्थिति में लटका यह खैरा घाट अपनी किस्मत पर वर्षों से रो रहा है। इस तरह से जो झोपड़पट्टी में आप लोग रह रहे हैं, कभी आवास योजना का लाभ आप नहीं मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कभी मांग की है सरकार से?
मांगे तो देवे न करता है कुछ। अच्छा, राशन मिलता है सही टाइम पे? नहीं, राशन नहीं मिलता है। कितना मिलता है? 5 किलो। 5 किलो मिलता है। हाँ। कितना लोग हैं आप लोग? 3 लोग। 3 लोग में 5 किलो मात्र मिलता है। सरकार से आवास योजना का मांग करते हैं ना, इंदिरा आवास का आप लोग कुछ नहीं है तो नहीं देते हैं। चाहिए ना आप लोग को? इनका आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिएगा तो देवे न करता है सरकार। मतलब मांगने पे भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। कब से रह रहे हैं इस तरह का स्थिति में? बहुत दिन से। बहुत वर्षों से रह रहे हैं। सवाल ये है कि कहाँ है सरकारी योजनाएं, कहाँ है पीएम आवास योजना, कहाँ है गरीब कल्याण योजना, या फिर ये गरीब नहीं है? कहाँ है राशन योजना, कहाँ है उज्ज्वला योजना? आखिर कब बदलेगी इन गरीबों की किस्मत? आखिर कब मिलेगा इन्हें भरपेट भोजन? कब ये मासूम स्कूल जाएंगे? टीवी भारत के लिए जमुई से हर्ष की रिपोर्ट। मांग की है सरकार से? मांगे तो देवे न करता है कुछ। तीन आदमी का राशन मिलता है, बाकी बाद में बाल बच्चा इससे रह जाता है। ये रिपोर्ट तो थी जमुई की, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। और अब एक बार और फिर बात करते हैं रोहतास की, जहां के एसडीओ साहब ये कहते हैं कि मैं एसडीओ हूं, मेरे पास फोन उठाने का वक्त नहीं है, मेरे पास जवाब देने का वक्त नहीं है। तो एसडीओ साहब अगर आप गलत नहीं है, एसडीओ साहब अगर आप गरीबों के भी अधिकारी हैं, तो आप चैनल का, डीटीवी भारत का फोन न उठाइए, हमें कोई गिला शिकवा नहीं होगा। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि आप उन डीलरों पर कार्रवाई कीजिए जो गरीबों की थाली पर डकैती कर रहे हैं। यदि आपकी भी इसमें संलिप्तता नहीं है, अगर आपकी भी इसमें मिली भगत नहीं है, तो अगर आप भी गरीबों के भी अधिकारी हैं, तो एसडीओ साहब ये कहना आसान होता है कि मैं एसडीओ हूं, लेकिन करना, उस जिम्मेदारी को निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की रिपोर्ट में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और रिपोर्ट के साथ। लेकिन एक बात और कि ये रोहतास की रिपोर्ट फिर कल दिखाएंगे और एसडीओ साहब कल फिर आपको कॉल लगाएंगे और फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए धन्यवाद, देखते रहिए डीटीवी भारत। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा।